एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर आपके पास पे कोई भी पर्सन आता है और बोलता है कि मुझे मार्केट प्लेस के अंदर जो है कुछ प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और मैं अपने बिजनेस को सक्सेस करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली एज अ मार्केटर आपको जो है मैं यहां पे 10 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं, सो दैट कि आप उस बिजनेस को किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट करवा के सक्सेस कैसे करवा सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं थ्योरेटिकल सारे स्टेप्स बताने वाला हूं, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है यहां पर इनको कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है वो सारी डिटेल आपको दिखाने वाला। तो चलिए जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। और अगर आप जो है वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारा बैच 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी एनरोलमेंट प्रोसेस करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के अंदर। सो बेसिकली मार्केट प्लेस के अंदर जो है कोई भी प्रोडक्ट उठा के डाल देना और उसके अंदर अपना जो है प्रोडक्ट को लिस्ट कर देने से प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। और डेफिनेटली ऐसा मैंने भी कई बार करके देखा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं, एंड डेफिनेटली फिर उसके बाद में मैंने भी अपने बिजनेस को बंद किया। और आई होप कि अभी भी वो बिजनेस जो है लिस्टेड होगा, अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि शायद अगर डेटाबेस से हटाया नहीं है तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, राइट। तो चलिए फेल होने से अच्छा है कि हम सक्सेस हो जाएं। तो यहां पर जो मैंने उस वक्त गलतियां करी एंड उसके बाद में कैसे सक्सेस मिल सकती है, तो आज के वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तो पहला जो स्टेप होता है वो टू फाइंड आउट द निश, यानी कि कैटेगरी जिसमें आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। किस तरह का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपके जो है यहाँ पे क्लोथिंग से रिलेटेड होगा या किचन अप्लायंसेस वगैरह होंगे, तो जो भी आपके रहने वाले, पहला तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है निश को जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब निश आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप निश को आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेकंड आता है प्रोडक्ट सेलेक्शन, क्योंकि एक निश के अंदर बहुत सारे यानी कि हजारों प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपके सेल करने में इंटरेस्ट है, तो वो आपको यहां पे डिसाइड करना होगा। अब डिसाइड करने के बाद जो है आपने उस प्रोडक्ट के बारे में, थर्ड स्टेप आता है रिसर्च अबाउट प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की बात करो, जिसको आपने सेलेक्ट करा है, क्या वो आपको बेनिफिट देगा, क्या वो सेल होगा कि नहीं होगा, तो ये पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। और रिसर्च के अंदर जो है आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके मैं सेल कर सकता हूं और जिसके ऊपर में मैं भी अगर लिस्ट करता हूं अपने प्रोडक्ट को तो डेफिनेटली वो भी जो है सेल होगा। तो ये जो रिसर्च है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ये कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको ये जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी का सिमिलर प्रोडक्ट है डेफिनेटली आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट तो होगा नहीं कि जो कि एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने डाला जो कि किसी दूसरे के पास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास में डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी मार्केट प्लेस के ऊपर में सेल हो रहा है, तो आपको उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपको देखना है, और कैसे देखा जाता है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। देन फिफ्थ आता है आपका यहां पे सॉरी फोर्थ आता है आपका प्राइस वॉर। प्राइस वॉर यानी कि जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस रेंज क्या चल रहा है, क्या वो दूसरों को उस प्राइस रेंज में कंपीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अगर कितना यूनिट वो सेल कर रहा है उस प्राइस के अंदर, तो आपको अपना प्राइसिंग जो है वो डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी, तो ये आपको करना जरूरी है। पांचवा जो स्टेप होता है वो आपका प्रोडक्ट सोर्स, यानी कि अब आपने जो रिसर्च बेसिक करनी थी कि हाँ ये प्रोडक्ट के अंदर अगर हम काम करते हैं तो सक्सेस के चांसेस जो है वो 80-85% है, तो डेफिनेटली कंपटीशन रहेगा, उसको कंपीट करने में तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब आपके लिए वो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में अब आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करना है। अब कहां से सोर्स करेंगे, अब कैसे उसको आप मैन्युफैक्चर करवाएंगे, या कहीं से पहले से आपको मिल जाएगा, और इसमें आपका जो कंपटीशन बनने वाला है वो कौन होगा, ये सारी चीजें हम यहां पे सोर्स के दौरान कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद में आपका आता है ब्रांड क्रिएशन, यानी कि जो प्रोडक्ट है क्या उसको आप किसी थर्ड ब्रांड के अंदर, यानी कि ऑलरेडी कोई ब्रांड है जिसके अंदर आप ये सेल करने वाले हैं,
या फिर आप उस प्रोडक्ट को अपना एक नया ब्रांड क्रिएट करके उसके अंदर लॉन्च करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई आप खुद की ब्रांडिंग करके भी उसको रीसेल कर सकते हैं, राइट, व्हाइट लेबलिंग करके भी आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट कि डेफिनेटली आपको खुद का ब्रांड बना लेना चाहिए। अपनी खुद की ब्रांड वैल्यू हो जाएगी एंड तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बड़ा एक सक्सेस स्टोरी जो है वो बन सकती है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप अपना ब्रांड के तहत नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरे के ब्रांड को ही प्रमोट करके आप जो है उसको सेल करना चाहते हैं, और ऐसे हजारों सेलर्स हैं जो दूसरे के ब्रांड को उन्हीं के ब्रांड के तहत, उन्हीं के नाम के तहत ही सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वैसे में थोड़े चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन खुद का ब्रांड क्रिएट करके करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। फिर सेवेंथ हम बात करें यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑन मार्केट प्लेस। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे मार्केट प्लेस हैं जहां पे मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकता हूं, राइट। तो इन दैट केस आपको उन मार्केट प्लेसेस के ऊपर में अपना अकाउंट क्रिएशन करना है एज अ सेलर। उसके बाद में जब ये आपका पूरा सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद में देन आता है द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, द कीवर्ड रिसर्च। एज अ डिजिटल मार्केटर ये आपके लिए सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका कीवर्ड रिसर्च, यानी कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर में आपने रिसर्च करी थी, अब उसके ऊपर में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे वो इतना सेल कर पा रहा है, तो वो कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर में रैंक कर रहा है, किस कीवर्ड के ऊपर में कितनी वॉल्यूम है, तो वो सारी रिसर्च करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद में नाइन्थ स्टेप आता है विच इज कॉल्ड दी मॉनिटरिंग। अब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है, आपने कीवर्ड्स वगैरह सेटिंग कर दिए, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिट रिलैक्स एंड मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वाकई आगे कहीं विजिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको फिर से कुछ ना कुछ जो आपके फेलियर्स हैं, जो आपके चीजें आपने नहीं परफॉर्म करी, उनको आपने देखना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारा प्रोडक्ट जो है आगे विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर में आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके काम करके उसको जो है फिक्स करना जो भी इश्यूज हैं। एंड फाइनली जो आपका टेंथ आता है, तो जब आप ये पूरी मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद आपका आता है ऑर्डर आपके पास। जब ऑर्डर आते हैं तो आपने जो ऑर्डर आया है एग्जैक्टली वही ऑर्डर जो है डिस्पैच करना है, और ताकि आपको कोई भी रिटर्न जो है वो ना मिले। तो यहां पर ये सारी चीजें अगर आप ऑनेस्टी के साथ में काम करते हैं एंड डेफिनेटली ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको जो है दिन नहीं लगते हैं, महीनों लग जाते हैं, और महीनों का टाइम आपके पास में होना चाहिए, यानी कि 2-3 महीने तो आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में लग जाएंगे, और उसके बाद ही आपको जो है ऑर्डर आएंगे। तो अगर आपके पास में 2-3 महीने का टाइम है और ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, ऑर्डर्स आपके पास आएंगे एंड आप उनको डिस्पैच कर सकते हैं, और स्लोली ग्रेजुअली फिर आपको जो है उसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा और कैसे और आगे अग्रेसिवली काम करना है। एंड अब तक हमने ऑर्गेनिकली काम करा, और कुछ अगर आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली जो भी प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं उस प्रॉफिट को वापस उस बिजनेस में लगाएं, यानी कि आप पेड प्रमोशन की तरफ में जाएं, सो दैट कि आपको और ज्यादा विजिबिलिटी मिले और ज्यादा कस्टमर्स के ऑर्डर आप तक पहुंच पाए। सो गाइज, आई होप कि ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 10 स्टेप्स बताए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस तरह के और वीडियोस आपको डिजिटल मार्केटिंग एक कैसे किसी भी बिजनेस को प्रमोट कर सकता है अगर आपके अंदर की पावर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।